तुम जस्ट बैठे हो जहां भी हो, थोड़ा सा खाली हो, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। वहां पर अपने आप को पूरा फ्री छोड़ दो, सारी टेंशन रिलीज करो। टेंशन रिलीज करने का मतलब है कि उसे रिलीज नहीं करना, वो तो आप टेंशन बढ़ा रहे हो कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे कुछ एफर्ट नहीं लगाना। इसका मतलब आप टेंशन बढ़ा रहे हो, विरोध कर रहे हो। ब्रेन का काम ही है सोचना, वो तो सोचेगा ही। जस्ट जो हो रहा है उसे होने दो, जो विचार आ रहे हैं उसको आने दो। बॉडी की जैसी मूवमेंट चल रही है उसको चलने दो, जब तक कि आज आप सहज महसूस करें। जबरदस्ती नहीं करनी, शांत हो आप थोड़ी देर के लिए बस ऐसी। कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं कर रहे। आवाज सुन रहे हो बाहर जो हो रही है? पक्षियों की, लोगों की, लोग जो बोल रहे हैं, उस बोलने का मीनिंग ना निकालें बस, कि जो भी बोल रहे हैं वो बस शब्द बोला उन्होंने, उस शब्द को आपने सुन लिया, लेकिन मीनिंग क्रिएट होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी ने कोई गाली दी या किसी ने किसी की बुराई की। आपके बगल में ही आपके अंदर कुछ इमेजेस, कुछ चीजें छपेंगी विचार को तौर पर। आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, क्या पता पुराना, उसको रहने दो, विचार उसको दिमाग में ही रहने दो। जो भी चीज चल रही है बाहर और अंदर, अंदर अंदर चिंता हो रही है, टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, डर है अंदर थोड़ा सा कि आज काम हुआ ठीक से नहीं हुआ, आज आज मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, चिंता हो रही है घर पर किसी की, बीमार हो, थोड़ी तकलीफ में हो, बस अपने आप को फ्री रहने दो थोड़ी देर। जस्ट रिमेन। शांत रहो थोड़ी देर, न कहीं आना ना कहीं जाना। विचारों पर इतना मात्र भी रिएक्ट नहीं करना है। जैसा मर्जी विचार हो, खतरनाक, क्रूर, या जितना भी एक्साइट करने वाला हो। यस, ऐसा होगा कि विचार अगर खतरनाक होगा तो वो आपके अंदर थोड़ा शोर मचाएगा। उस शोर को रहने देना अपने अंदर, उस शोर के साथ रहना, उस शोर से परेशान मत होना, उस शोर पर रिएक्ट मत करना। चाहे वो शोर एक्साइटमेंट का हो, चाहे वो डर का शोर हो, विचार दोनों ही चीजें करता है, उससे परेशान मत होना, उसको रहना, बिल्कुल न्यूट्रल होकर रहना। आपको पता है जब आप थोड़ा ऐसे शांत बैठोगे ना, अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को लेकर अवेयर रहोगे। जैसा मैंने बताया, इनर मतलब चिंता, डर, सुख दुख, जजमेंट, थॉट्स, माइंड चल रहा है। बाहर जो चीजें चल रही हैं, रंग बिरंगी चीजें देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, सुन रहे हो, हवा की सेंसेशन फील कर रहे हो, सारी चीजें। इस दौरान तुम खत्म हो जाते हो, तुम्हारा दी एंड हो जाता है, तुम अनंत में मिल जाते हो। इसे ही कहा है योगियों ने, संतों ने, ब्रह्म में लीन होना। उन्होंने अपनी एक बात लिख दी कि हम ब्रह्म में लीन हो गए। ये नींद तो एक बहुत छोटी चीज है इसके सामने। इससे ब्रेन को ऐसा रेस्ट मिलता है, माइंड को ऐसा रेस्ट मिलता है कि जन्म जन्मों की प्यास बुझ जाती है। ऐसा लगता है ये शांति शांति मैंने अब जाकर चखी है।
मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, हमेशा के लिए आप लोगों के लिए कर दिया, सिर्फ 1000 रुपए में, 1000 में। डेली मेडिटेशन वीडियो मिलती रहेगी, सिखाता रहूंगा डेली मेडिटेशन आपको, और उससे पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की भी 12 वीडियोस दूंगा। तो जाओ, इससे अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलेगी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी। कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ वहां से ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।